बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में, हम अंकल के पास आए हैं अपने। तो यहाँ पे इनकी जनाब नर्सरी है, अब्दुल हमीद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। तो जी, हमारे दोस्तों को बताएं आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। ये मैं आज इस पौधे के मतलब बताना चाहता हूँ, इसको कैमोमाइल कहते हैं। कैमोमाइल टी इसकी बनती है, दुनिया की बेहतरीन चाय में से एक चाय ये है। सही है, ये उसका पौधा है। अच्छा, आप इसका फूल का साइज़ ज़रा बराबर करें, मेरी तरफ देखें। इसका फूल का साइज़ देख लें कितना है। हाँ जी, हमारे दोस्त देख सकते हैं वीडियो में जी। हाँ जी, आप बताएं। दुनिया की बेहतरीन चाय में से एक चाय है ये। माशाल्लाह पहली मरतबा हमारे पास उगाया, लेकिन इसका हम सीड तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले साल हमारे पास पूरा एक क्यारा बहुत लगा होगा इसका। और ये इसके बेनिफिट्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कैमोमाइल की। तो इसका तारफ कराना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे मेडिसिनल प्लांट्स का शौक़ है, अदवियाती पौधों का। तो मैं कोई ना कोई तैयार करता रहता हूँ। इससे पहले हिबिस्कस रोज़िले, जिसको अरबी में करकदे कहते हैं, वो भी मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आज जुनेद साहब के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप मेरी नर्सरी में तशरीफ़ लाए। और से देखें, इसका नाम है टच मी नॉट। अच्छा, सेंसिटिव फ्लावर भी कहते हैं इसको, और शर्मीली बूटी भी कहते हैं। ये देखें, बिल्कुल जहाँ हाथ लगेगा वहीं मुड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये भी वही चीज़ है। अच्छा, ये बेशक छाँव में पड़ी हो या धूप में पड़ी हो, इसका कोई फ़र्क नहीं है। इसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो है ना, 15 मिनट बाद दोबारा अपनी जगह पर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, वाह क्या बात है। ये तो, ये सर हमारा नवाज शरीफ है, वो मुल्क से निकला है, ये बाद में सेट हो जाने।